हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इंदौरा में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस पर स्कूल में बुधवार को जमकर हंगामा भी हुआ। स्कूल के बच्चे धरने पर बैठ गए। फिलहाल आरोपों के बाद शिक्षक को दौरा भी पड़ा, उसे नूरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। जानकारी के अनुसार कांगड़ा के नूरपुर उपमंडल के गंगत के सरकारी स्कूल का यह मामला है। छात्राओं ने स्कूल में फिजिक्स टीचर पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने से टीचर छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। अब हिम्मत जुटाकर छात्राओं और विद्यार्थियों स्कूल परिसर में अध्यापक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मौके पर पुलिस पहुंची। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक लैब में भुलाकर किस और हग करने का दबाव डालता है और असेसमेंट के ज़्यादा नंबर लगाने की बात करता था। ऐसा ना करने पर आरोपी कम नंबर लगाने की धमकी भी देता था। बुधवार को बच्चे स्कूल में धरने पर बैठ गए। मौके पर माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है। हंगामे के बाद गंगत पुलिस चौकी की टीम ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी शिक्षक को सस्पेंड करने की मांग की। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने सारे मामले पर संज्ञान लिया और उनकी और उनके गठित टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आरोपी शिक्षक को सस्पेंड करने की मांग की गई है। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करने की पुष्टि की है। शोर मत करो, जो भी ये घटना हुई है उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। मुझे डिप्टी कलेक्टर ऑफिस से भेजा गया कि गंगा स्कूल में कुछ एक ऐसी वारदात हुई है और आप वहाँ जा करके देखो, फाइंडिंग करो कि क्या बात है। तो मैं आया हूँ, कुछ एक बच्चियों के बयान लूँगा। आप निश्चिंत रहे, विभाग की तरफ से जो है इस मैटर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। ठीक है बेटा, आप लोग शांत रहे, बच्ची हैं आप लोग। चलो कोई बात नहीं, इसलिए भेजा गया है कि आप वहां जाइए और जो भी मैटर है उसको सुनिए। और सबसे पहले जो है जिसने जो भी कल्प्रिट है इस मामले में उसके अगेंस्ट जो हमने एफआईआर कर दी, एफआईआर हो चुकी है और उसकी कॉपी जो है वो मेल करके ऊपर भेज दी जाए। और थोड़ी सी जो कार्रवाई है, जो हमारी स्कूल की हरासमेंट कमेटी है उसके साथ मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पे ये प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चियों से भी था, आप बच्चियों के पास आते होंगे, काम था उसको, कुछ होगा, तीन चार लड़कियाँ और भी बैठी थी अंदर। फिर उनको ये शक लगा कि मैंने उनको क्यों बोला, मैंने उनको बोला इसकी चली गई, मैंने बोला कोई काम नहीं है। फिर मैंने उसको बुला क्या ही काम था मेरे को, वो बुलाने गई लड़कियाँ ना, वो बोलता पता क्या है, वो बोलती हैं लड़कियाँ कि आपने आप नाम को बाहर निकाल दिया और इसको अंदर क्यों बुलाया। अच्छा, तो आपने बुलाया किसके लिए? उनका काम ही था, उनका काम था। क्या काम था? काम यही था, बुक्स का ही था। क्या बुक्स में क्या बुक्स का क्या काम था? काम ही मतलब ये तो प्लस टू का सेकंड वॉल्यूम फिजिक्स का ना, उसके बारे में। हाँ जी, प्लस टू का सेकंड वॉल्यूम था फिजिक्स का, उसके बारे में बात करें। और ये बोलते हैं मैं हाथ अगर लगाया सर, आज तक किसी को कुछ बोला नहीं, और ये पता नहीं समझ नहीं आता क्या कहाँ से चली है सारी साजिश। अच्छा, आपके प्रोपोगंडा करेंगे, मेरे को पता होता है सर मैं ऐसी क्यों करूँगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से साजिश किसकी है? अभी क्या नहीं, कुछ ना कुछ ना, मतलब बच्चों की शरारत है या स्टाफ की हो सकती है आपके हिसाब से? नहीं, स्टाफ का भी हो सकता है कोई। अच्छा, भी हो सकता है, क्या बता सकते हैं, तो पर बड़ी जबरदस्त रूप है। लेकिन लड़कियां बोल रही हैं कि सर ने 10-15 लड़की के साथ शरारत की है। सर वही तो है, वही तो है, उन्होंने सारे कमरे में आए किए तो मेरी रिश्तेदारी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। मामला सामने आया, इसके बारे में बताइए कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। मैंने अभी आपको ये सामने ये विचार रखी है कि मुझे विभाग की तरफ से भेजा गया है और कहा गया कि वहाँ पे जाकर के फाइंड आउट करिए और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो विभाग उस व्यक्ति के खिलाफ जो वो करेगा। अभी क्या कार्रवाई की? अभी हमने एफआईआर जो है वो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कर देंगे और उसकी एक मेल की कॉपी जो है वो अपने
डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को भेज दी जाए थोड़ी देर, और थोड़ा सा हम मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कमेटी है, हरासमेंट कमेटी है, और जिन बच्चियों के साथ ये बातचीत हुई है उनके साथ में थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। सर, सेक्सुअल हरासमेंट जो आपके पास रजिस्टर है, इसमें क्या कोई कंप्लेंट पाई गई है? ये देख के लगेगा पता जी। जी, इसका जो हरासमेंट कमेटी होती है इसमें हर मंथ जो है वो रिपोर्ट जाती है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में जाती है। बच्चियाँ खास करके लड़कियाँ जो हैं वो अगर उनके साथ कोई वारदात होती है, इवन दैट कि कोई बच्चा भी उनको छेड़ता है या तंग करता है, तो उसके बारे में शिकायत जो है वो हरासमेंट कमेटी को की जाती है और उस पर एक प्रस्ताव डलता है और उसकी कॉपी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को भेजी जाती है ताकि विभाग, हमारी तरफ से जो कार्रवाई की गई है विभाग को उसके ऊपर जो एक्शन। सर, क्या आज दिन तक कोई इसकी रिपोर्ट आई है सेक्सुअल हरासमेंट? जो रिपोर्ट के बारे में, अब इसको तो देखना पड़ेगा कि रजिस्टर में कोई बच्ची ने कंप्लेंट की है, अगर कंप्लेंट की है अगर उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है वो देखना पड़ेगा। अगर कंप्लेंट नहीं आई है तो फिर किस बात की कार्रवाई होगी ये वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर मंथ जो है वो 31st को या 31st या 30th को जो भी महीना होता है उसमें जो है वो बच्चियों के जो भी रिगार्डिंग होती है बात वो हम भेज देते हैं। अगर कोई वारदात नहीं होती है तो उसके निम्न रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट होता है, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके ऊपर जो एक्शन लेकर भेजा जाता है। आज की कार्रवाई जो है डाली जाएगी। कितनी बच्चों की कंप्लेंट अभी मैं देखूंगा, अभी जो इस महीने की